विलुप्त प्रजाति काला नमक धान को बढ़ावा देने को लेकर कपिल वस्तु महोत्सव में लगी प्रदर्शनी। जनपद सिद्धार्थनगर की पहचान काला नमक धान जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, जिससे जिले की पहचान बनी रही, आज वह काला नमक धान सिद्धार्थनगर में विलुप्त होती जा रही है और इस पर देखा जाए तो अपने जिले की पहचान भी जो कल में बनी रही समाप्त होती नजर आ रही है, जिसको लेकर सिद्धार्थ नगर उप कृषि निदेशक डॉक्टर पी के कनौजिया द्वारा पुनः प्रोसेस किया जा रहा है और किसानों को काला नमक के बारे में प्रदर्शनी के रूप में अवगत कराया जा रहा है। लगभग सिद्धार्थ नगर में 20 किसानों के साथ काला नमक का प्रदर्शन खेती कराया गया और इस काला नमक जो अपनी पहचान है सिद्धार्थ नगर से खोने न पाए, इसकी पहचान जाने न पाए, हम प्रयासरत हैं और काला नमक की खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने पिछली बार देखा प्रदर्शनी तो उससे जो है किसी भी दशा में कम नहीं होगा, हम उससे बेहतर करेंगे। इस बार हम लोगों ने पहले से व्यवस्था बना रखी है। आप देख रहे होंगे जिस गाड़ी के सामने आप खड़े हैं, ये हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रचार प्रसार वाहन है। ये प्रचार प्रसार वाहन हमारा लगातार 2 दिन से चल रहा है और ये लगातार आगे चलेगा। इसमें आपको बताया प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जो नुकसान हैं, इन नुकसान की भरपाई के लिए मात्र 1.5% जो है देकर लोग अपना बीमा करा लेते हैं और नुकसान होने पर पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में जा रहा है। एक तो ये व्यवस्था दी गई है, दूसरा आपने देखा है कि हमने जो है शुरू से उद्यान विभाग का स्टॉल आपका जो है इसमें पिछली बार हमने व्यवस्था की थी, इस बार हमने ये व्यवस्था की है कि हमने केले के जो पौध मंगाए हैं और 11 तारीख को समापन के समय ही केला उसमें पकेगा, ये व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। साथ ही जो है हमने कृषि विभाग के सारे जो है जो भी योजनाएं हैं सारी योजनाओं का हमने दे रखा है वहाँ प्रचार प्रसार के लिए, साथ ही साथ सामने दिखाने के लिए किसानों को कि कौन सा बीज किस प्रजाति का बीज है, क्या जो है उसमें गुणवत्ता है, वो सारा कुछ दिखाऊंगा सामने ही। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमारे एक जनपद एक उत्पाद के रूप में काला नमक जो है, काला नमक आप देख रहे हैं जनपद की एक शान हुआ करती थी, धीरे धीरे विलुप्त होने की दशा में थी। पिछले बार से ये एक जनपद एक उत्पाद के रूप में चयन किया गया, उसके बाद लगातार इस पर काम किया जा रहा है, सागरों की सफाई का काम किया गया और साथ ही साथ हमने जो है अभी MOU कराया है जो है 20 किसानों का 20 लोगों से कि वो जो है उनका धान खरीदेंगे, उनका चावल खरीदेंगे, इस तरह निश्चित तौर पे हमारा काला नमक भी बढ़ेगा। और बहुत सारी जो स्टॉल आप देख रहे होंगे सारी स्टॉल जो है एक से एक बढ़ के आपको जो है सारे विभागों के स्टॉल है, सब लोग अपना अपना प्रदर्शन दे रहे हैं। प्रचार प्रसार गाड़ी के माध्यम से किया जा रहा है। मात्र 1.5% में फसल बीमा होता है, जिसका किसी कारणवश फसल नुकसान होता है तो उसका 100% सरकार लाभार्थी को खाते में देती है। यह बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। फसल से लेकर के खेत में होने वाले हर फसल के बीमा मात्र 1.5% पर होता है और उसका नुकसान होने पर पूरी तरह से फसल बीमा किसानों को दिया जाता है। खबर जगत 24 न्यूज़ सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।